विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। क्या वाकई आगे भी मैं इस दुखती नस के साथ उसको बचाते रहूं या उसके साथ होश लाऊं? क्या अब देखता हूं अगली सीन में ये दुखती नस क्या अनुभव मुझे देती है? अब एक जागृति है, इस पर अगर आपने काम कर दिया तो एक जागृति बनेगी। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें, विश्व शांति के लिए प्रार्थना। 9:09 या सुबह की प्रार्थना कैसे करें ईश्वर से, प्रभु से, कुदरत से, जिसे भी आप मानते हैं, जो भी आप जानते हैं, उस अनुसार ईश्वर को कहें, हे परमात्मा, हमें कमल की तरह संसार में रखो, कमल की तरह संसार में रहते हुए भी हम अछूते रह पाएं, निर्लिप्त अनासक्त रह पाएं। विश्व के सारे मनुष्य यह अधिकार रखते हैं। मनुष्य देह में यह संभावना आपने बनाई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही जागृति हर इंसान में आए कि वह कमल के फूल की तरह रह सकता है, बीमारियों के बीच भी स्वस्थ रह सकता है। कोई बीमारी छू रही है तो अज्ञान उसे बढ़ावा दे रहा है। सबका अज्ञान मिटे, बीमारियां दूर हों, ताकि स्वास्थ्य सब पर छा जाए। सभी अपने स्वास्थ्य में, अंतर मन में जो भी मैल है उससे छुटकारा प्राप्त करें। अंतर मन में बसी हुई मैल, विकारों की, वृत्तियों की बीमारियां लाती है, वह मैल समाप्त हो जाए, सब निर्मल बन जाएं, शुद्ध बन जाएं, पवित्र बन जाएं। इस मैल का असर शरीर पर नकारात्मक जो हो रहा था वह समाप्त हो रहा है। हे परमात्मा, आप सभी में ऐसी व्यवस्था करो ताकि यह मन शुद्ध हो जाए। आपके शुभ्र प्रकाश में सभी मैल निकल जाएं, इस मैल में कमल खिल जाए, कीचड़ में भी जैसे कमल
ऊपर उठता है, वैसे सारे मनुष्य ऊपर उठें, चेतना सबकी ऊपर उठे, कमल की सुगंध चारों ओर फैले, आत्मा कमल खिल उठे, लोटस सभी याद रखें, ऐसा दृश्य सबको प्रेरित करे मुक्त रहने के लिए, प्रेम फैलाने के लिए। कमल से सबको समृद्धि याद आए, आनंद याद आए, मुक्ति याद आए, अभिव्यक्ति याद आए, सभी चिंताओं से मुक्त होकर, बीमारी के डरों से मुक्त होकर कमल पर फोकस रख पाएं, आत्म कमल पर फोकस रख पाएं, जो सभी के अंदर खुलने के लिए तैयार बैठा है। ध्यान की शक्ति से सभी इस कमल पर ध्यान देना सीखें, यह संभव है, यह हो रहा है। कमल चरण ध्यान को बढ़ाते हैं, ध्यान की गहराइयां ले आते हैं, सभी ध्यान की गहराइयों को प्राप्त करें। ध्यान में शुद्ध होकर प्रेम आनंद संतुष्टि फैलाएं। सभी इस विश्वास के साथ कि कमल की शुद्धता असली स्वास्थ्य है, ध्यान करें, साधना करें। चलते फिरते कमल पूरे विश्व में फैल जाएं, चारों ओर उच्च चेतना के लोग निर्णय लें, सारे लीडर्स कमल की तरह विश्व को सुंदर बनाएं। हे परमात्मा, इस व्यवस्था के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शब्दों में कुछ जोड़ना चाहें, आप जोड़ें। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें।
आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। दुखती नस पर देखो, मनन किया होता तो क्या होता, तो क्या अचीव कर रहे हैं। उसकी जगह पर कुदरत पर भरोसा होता तो समृद्धि के साथ दुखती नसों से भी मुक्त हो गए। एक गरीब इंसान क्या दिखाना चाहता है, उसकी दुखती नस कुछ अलग है। ये मुझे तुच्छ समझ रहा है, उसकी दुखती नस अलग है। ये सिर्फ एग्जाम्पल बताया जा रहा है ताकि आपको अपनी दुखती नस समझ में आए और उसको कीमती समझो कि इस पर कुदरत मुझे संकेत दे रही है कि इतनी बातों से तुम मुक्त हो गए हो, ये बातें टिकी हुई हैं और तुम अनजाने में उनको बचा रहे हो। इधर मत आओ, कोई हाथ आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से कर रहा है, आप अपना हाथ रोकने के लिए कर रहे हो। तो ये कसरत चलते रहती है, इधर हाथ मत लगाओ, इधर से टच मत करो, ये मेरी दुखती नस है। तो मैनेजमेंट तो हो जाएगी, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट भी बन जाओगे, मगर क्या खोदोगे। बड़े बड़े महल के ताले खुलते हैं दुखती नस से। एक तार से भी लोग कुछ ताले खोलते हैं ना, एक तार होती है वो लॉक के अंदर डाल के खोल देते, बड़ा ताला है दुखती नस का ताला। दुखती नस से कैसे ताले खोलने चाहिए, और उसको बचाते बचाते बचा भी लिया तो भी क्या बचाया। जो मिटने ही वाला था अहंकार, उसे बचाकर क्या मिला। मरने वाली चीज को बचाकर क्या मिला। तो ये गहरा प्रश्न है, क्या वाकई आगे भी मैं इस दुखती नस के साथ उसको बचाते रहूं, या उसके साथ होश लाऊं कि अब देखता हूं अगली सीन में ये दुखती नस क्या अनुभव मुझे देती है। अब एक जागृति है, इस पर अगर आपने काम कर दिया तो एक जागृति बनेगी और आप देखोगे, आश्चर्य देखोगे आगे, तो आप कहोगे हाँ अभी हमें मुक्ति का अर्थ समझ में आ रहा है। वरना सिर्फ बुद्धि में ज्ञान डाला और हम समझ गए तो नहीं समझे। आप वो अनुभव करो कि ये मेरी दुखती नसें थी और मैं असुरक्षित था, कभी भी कोई आएगा और दुखती नस पर हाथ रखेगा मुझे तकलीफ होने वाली है। अब मैंने जी लिया, अभी मैंने जी लिया। लोग फटी हुई जीन पहनकर घूमते हैं, उनको शर्म नहीं आती है, और पर्सन को कितनी शर्म आ रही है। फैशन कहा तो वही चीज तकलीफ नहीं दे रही है, पूरे घुटने फटे हुए, कोई भी चीज इश्यू बन रही है, यानी दुख क्रिएट कर रही है। कितनी सारी बातें चल रही हैं आज समाज में, पेरेंट्स बच्चों को लेकर, शादियों को लेकर, कोई ऐसा ना कह दे, कोई वैसा ना कह दे, ये दुखती नसें हो गई है। कोई ये ना बोल दे, अरे कैसे जगह पर रिश्ता करवा दिया, कहिए क्या कर डाला तुमने, अरे वैसा क्यों कर डाला। तो बच्चों की भी खुशी माँ बाप समाप्त कर डालते हैं उनकी दुखती नसों की वजह से, और बच्चों की दुखती नसें तैयार होती हैं, वे फिर अपने बच्चों को उस तरीके से पालते हैं। ये साइकिल चलते रहता है। कुछ लोग हीलिंग करते बीच में, मनन करते रुकते हैं, रुक जाना कहीं तो कुछ सोचने, रुक जाना नहीं तो सुना है आपने, रुक जाना कहीं तो वो पीरियड है अभी, रुक कर हम सोचें कि हमारी दुखती नस क्या है।
और हम दूसरों की कौन सी दुखती नस पर हाथ रखते हैं, हम कहां ये गलती करते हैं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।